नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हम में से कई लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट ब्रेड होता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और हम में से कई लोगों को ये हेल्दी नाश्ता लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह का नाश्ता हेल्दी होना चाहिए। सुबह की भाग दौड़ में हम में से अक्सर लोग सैंडविच, ब्रेड जैम या फिर ब्रेड मक्खन खा लेते हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना नाश्ते में ब्रेड को खाना नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन की अधिक मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप ब्रेड खाने के ज्यादा शौकीन हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे ब्रेड बनती है और कौन सा ब्रेड खाना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे ब्रेड खाना हो सकता है आपके लिए नुकसानदायक। ब्रेड में आमतौर पर आटा, मैदा, नमक, शुगर, ओट्स, दूध, प्रिजर्वेटिव आदि डाले जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट के अनुसार चीजें शामिल की जाती हैं। ब्रेड को ईस्ट की मदद से खमीर उठाकर बनाया जाता है। मार्केट में आज व्हाइट, ब्राउन और मल्टीग्रेन जैसी कई वैरायटी की ब्रेड मिल जाती हैं। ज्यादातर ब्रेड में बहुत अधिक मात्रा में नमक होता है। इससे शरीर में सोडियम की मात्रा के संतुलन पर असर पड़ता है। आप चाहें तो घर पर ब्रेड तैयार कर सकते हैं और उसमें नमक की मात्रा को संतुलित रख सकते हैं। अगर आप ब्रेड के बहुत शौकीन हैं, तो आपका वजन बढ़ना लगभग तय है। इसमें मौजूद नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव वजन बढ़ाने वाले कारक होते हैं। जिन लोगों को ग्लूटेन इनटॉलरेंस हो, उन्हें भी ब्रेड नहीं खानी चाहिए। ग्लूटेन वो होता है जो किसी खाद्य पदार्थ को चिपचिपा बनाता है। इसके साथ ही उन लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें भी ब्रेड कम खानी चाहिए। दरअसल ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। खासकर रिफाइंड व्हाइट ब्रेड खाने से अचानक ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर थोड़े समय बाद एकदम गिर जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित लोगों को इसके कम से कम सेवन की सलाह दी जाती है। अगर ब्रेड खाना जरूरी हो तो होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड को आमतौर पर लोग आटा ब्रेड समझकर खरीदते हैं, लेकिन ये भी ज्यादातर मैदे से ही तैयार की जाती है। कई कंपनियां इसे बनाते वक्त आर्टिफिशियल कलर या कैरमल डालती हैं, जिससे इसका कलर ब्राउन हो जाता है। ये जान लें कि कोई भी ब्राउन ब्रेड जो रोटी के रंग से गहरी हो, तो उसमें कलर मिलाया गया है। आमतौर पर न्यूट्रिशन के लिहाज से ये व्हाइट ब्रेड से खास बेहतर नहीं होती, इसलिए ब्रेड खरीदते समय इसमें शामिल की गई सामग्री को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो इसलिए अगली बार जब भी आप ब्रेड खरीदें, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।